प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वही बात अगर बाड़मेर की जाए तो यहां पर एक साथ 9 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बाड़मेर में एक साथ मिले सभी 9 कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र से लौटे थे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने इलाके का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा लिया। इसी के साथ लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहे। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ज्यादातर लोग बाग क्योंकि समरी में पहले से ही उस सेंटर में रह रहे हैं, लेकिन दो लोग इसमें सेंटर में नहीं रह रहे थे, जिसमें एक तो जेठंत्री में था और एक कर्मावास में था, जहां पर हमने अभी कर्फ्यू लगा दिया है और जीरो मोबिलिटी क्षेत्र को घोषित कर दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि आज पहली बार बाड़मेर शहर में भी एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया है जो कि गांधीनगर क्षेत्र का था, तो वहाँ पर भी हमने अभी जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है, वहाँ भी कर्फ्यू लगा दिया है। संबंधित SDM को कह दिया है, वो वहाँ पर जाकर के उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वगैरह चेक करेगा और संबंधित जो हमारे नगर परिषद के कमिश्नर रहे हैं उनको भी बता दिया है कि जो रास्ते वहाँ पर जा रहे हैं उनको भी बल्लियाँ वगैरह लगा करके और बैरिकेडिंग लगवा करके वहाँ पर अवरुद्ध किया जाएगा, जिससे कि लोगों की रीचेबिलिटी वहाँ उस क्षेत्र पर नहीं।